जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम कैलेंडर के अंतर्गत नए वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें प्रश्न पूछा है 16 जुलाई 2014 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यह प्रश्न है। 16 जुलाई 2014 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो भी वर्ष दिया गया है इससे एक साल पहले जाते हैं, अर्थात 16 जुलाई 2014 के पूर्व वर्ष जो कि है 2013, तो 2013 के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, वर्ष 2013 के लिए हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2013 के लिए हम निकालने जा रहे हैं शेष दिन। देखिए कैसे निकालेंगे, 2013 को अगर हम ध्यान देते हैं तो 2013 को आप डिवाइड कर दीजिए 400 में या 800 में या 1600 में या 2000 में, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 साल के बाद 5 दिन आगे बढ़ता है, 200 साल के बाद 3 दिन आगे बढ़ता है, 300 साल के बाद 1 दिन आगे बढ़ता है, 400 साल के बाद 1 भी दिन आगे नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार से 800 के लिए भी विषम दिनों की संख्या 0, 1200 के लिए भी विषम दिनों की संख्या 0, 1600 के लिए भी विषम दिनों की संख्या 0 और 2000 के लिए भी विषम दिनों की संख्या 0, ऐसा हम जानते हैं। तो 2013 को डिवाइड कीजिए, मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं 2000 प्लस 13 में। अब मैं जानता हूं कि 2000 के लिए विषम दिन आता है 0 या शेष दिन आता है 0, और यहां पर ये आपका है 13 को आप 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि 13 में कितने लीप ईयर है। तो 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, अर्थात 13 में अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, लीप वर्ष प्लस इसको हम डिवाइड करते हैं सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष तथा सामान्य वर्ष। अब लीप वर्ष की बात करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, अर्थात इन 13 वर्ष में 3 लीप वर्ष है। अच्छा, 13 वर्ष में 3 लीप वर्ष है तो सामान्य वर्ष होंगे, 13 में से 3 गया 10 वर्ष सामान्य वर्ष होंगे, 10 होंगे सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है तो ये हो जाएगा 2 दिन, सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है 1 दिन। यहां पर हमने देखा कि 2000 में 0 दिन आगे बढ़ता है, 13 के लीप वर्ष में 3 लीप वर्ष है 2 दिन आगे बढ़ेगा, 13 में सामान्य वर्ष है 10 सामान्य वर्ष है 1 दिन आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कुल 16 दिन। तो यहां पर शेष दिन या विषम दिन आ रहा है कुल 16 दिन। इसे फिर से 7 से डिवाइड कीजिए क्योंकि हमें रेंज लाना है 0 से 6, तो इसे फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालिए कितना आ रहा है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दिन रिमाइंडर आ गया। हम इसे छोटा करते हुए जाएंगे, ओके, तो यहां पर 2 दिन रिमाइंडर आ गया, ओवरऑल शेष दिन आ रहा है 2 दिन क्योंकि रेंज है 0 से 6। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमने 2014 के एक वर्ष पूर्व 2013 के लिए ध्यान दिया। अब यहां पर आप महीने के लिए ध्यान दीजिए, जुलाई के लिए ध्यान दीजिए। तो जुलाई तक हम कैसे पहुंचेंगे, जनवरी से लेकर हम पहुंचेंगे जुलाई तक। तो ध्यान दीजिएगा,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गया आपका जुलाई, ध्यान दीजिएगा। ये है जनवरी, जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं। फरवरी, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2000, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2014 है, ये 2014 एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो यहां पर फरवरी होगा 28 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च होगा 31 का, अप्रैल 30 का, मई होगा 31 का, जून होगा 30 का, जुलाई होगा 31 का। अब ध्यान दीजिएगा, इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा, हम माह के लिए ध्यान दे रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं माह के लिए, मतलब जुलाई के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 31 जनवरी में है, 31 का दिन, सात से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, सात से डिवाइड करेंगे 28 में तो रिमाइंडर आएगा 0, यहां सात से डिवाइड करेंगे 3, 2, 3, 2, 31। हमें पहुंचना है 16 जुलाई, तो यहां पर 16 जुलाई का कुल 16 दिन ले लीजिए, 16, इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 10, 16, 26, 27, 28, 29, यहां कुल आ गया 29। 29 को भी आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, क्योंकि रेंज होना चाहिए 0 से 6, या आप यहां जो 2 निकला है इस 2 को पहले 29 में जोड़ दीजिए, तो ओवरऑल शेष दिन यहां से आ गया है 2, यहां से आ गया 29, 29 को फिर से 7 से डिवाइड करके छोटा कर सकते थे आप, लेकिन या तो 29 को यहां पूरा लिख दीजिए 29, तो ये आ जाएगा 29 और 2 होता है 29, 2 होता है 31, जो भी आया है ओवरऑल उसे हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7, 4, 28, बचेगा 3, रिमाइंडर 3, शेष दिन 3। अगर आप यहां भी 7 से डिवाइड कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए 7 × 7, 7 × 14, 7 × 14, 7 × 28, बचेगा 1। अब 1 बचा है तो आप यहां पर फाइनली ये 1 और 2 को जोड़िए, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 3। अगर ये 7 से बड़ा होता तो फिर से 7 से डिवाइड करते, ओवरऑल हमारे पास यहां पर रिमाइंडर शेष दिन आ गया है 3। और हम जानते हैं कि 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार। तो यहां पर 3 का मतलब है बुधवार, अर्थात 16 जुलाई 2014 को बुधवार था। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 1780 को कौन सा दिन था। देखिए यहां पर सबसे पहले 1780 का पूर्व वर्ष, 1780 का पूर्व वर्ष होगा 1779 के लिए, आप देखिए के लिए हम निकालेंगे शेष दिन, शेष दिन किसके लिए 1779 के लिए, इसे आप डिवाइड कीजिए 1200 में, 400 में, जो भी आपको रेंज पास पड़ता है। देखिए 1700 1600 के पास है और 1600 का शेष दिन होता है 0, अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 1600 प्लस 100 जोड़ेंगे तो होगा 1700 प्लस यहां पर 79। हम जानते हैं कि यहां पर ये जो 79 है इसको देखिए, 79 में एक हो जाएगा आपका लीप वर्ष और एक होगा आपका सामान्य वर्ष। अब देखिए 79 को अगर हम ध्यान देते हैं, 79 में 4 से डिवाइड कीजिए तो यह आएगा 4 × 4, बचेगा 3, 4 × 36, 4 × 36, ध्यान दीजिएगा 4 × 4 बचेगा 3, 4 × 36, बस 19 बार में डिवाइड जाएगा, अर्थात 79 में 19 लीप ईयर है
और सामान्य वर्ष निकालने के लिए 79 में से 1900 घटाइए, 79 में से 1900 घटाएंगे, आएगा जीरो, आएगा सिक्स, अर्थात यहां पर 60 सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष में दो दिन आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1600 में जीरो दिन आगे बढ़ेगा, जबकि 100 में, जबकि हम ध्यान देते हैं 100 में, यह 100 में हम जानते हैं कि 5 दिन आगे बढ़ता है, 100 में बढ़ता है 5 दिन आगे, 100 में बढ़ता है 5 दिन आगे, 200 में बढ़ता है 3 दिन आगे, 300 में बढ़ता है 1 दिन आगे, और 400 में बढ़ता है 0 दिन आगे, ऐसे हम जानते हैं 800, 1200, 1600, आपका 2000, 2400, ये सभी में 0 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 प्लस 19 दुनी 38 प्लस ये आएगा 60 एकम 60, इन्हें जोड़ना है, ये जाएगा 8 0 8 8 5 आठ पांच तेरह का तीन हासिल है एक, ये हो जाएगा सात, सात और तीन दस, 103 जो भी आया है उसे सात से डिवाइड कर दीजिए, इसे हम सात से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सात से डिवाइड करेंगे 103 को तो ये आएगा सात एकम सात, यहां बचेगा तीन, तीन ऊपर से आएगा, सात चौक 28, सात पंचे 35, सात चौक 28, यहां आएगा 28, 33 में से 28 जाएगा, ये आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 33 में से 28 जाएगा, ये आएगा आपका 5, तो रिमाइंडर ओवरऑल आ गया 5, रिमाइंडर को देखते हैं हम लोग, तो रिमाइंडर वहां आ रहा है 5, अतः 5 दिन शेष बचेगा, शेष दिन हो गया 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब माह के लिए देखते हैं, महीने के लिए देखते हैं, माह, माह दिया है आपको 20 अप्रैल, यहां पर अप्रैल दिया हुआ है, तो अप्रैल तक पहुंचने के लिए ऐसे जाएंगे आपका, हमें अप्रैल तक पहुंचना है, देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च, यह है अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, जनवरी में कुल 31 का महीना होता है फरवरी, यहां नोटिस कीजिए, यह है, ध्यान दीजिएगा 1780 सबसे पहले चेक कीजिए क्या लीप वर्ष है, 1780 लीप वर्ष है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए चार से डिवाइड कीजिए, चार चौक 16 बचेगा एक, चार चौक 16 बचेगा एक, चार चौक 16 दो आएगा, चार पंच 20, अर्थात ये तो लीप वर्ष है, 1780 लीप वर्ष है, 1780 एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है, तो यहां पर फरवरी का महीना होगा 29 का, मार्च फिर से 31 का, अप्रैल हमें 20 अप्रैल तक जाना है, तो यहां पर 20 अप्रैल का कुल 20 दिन लिख देंगे। चलिए हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जानते हैं अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है 30 का, यहां पर 20 अप्रैल के लिए हम यहां पर कुल 20 लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 31 का है, 7 से डिवाइड करेंगे 3, 29 में 7 का डिवाइड करेंगे 1, 31 में 7 का डिवाइड करेंगे 3, 20 अप्रैल के लिए हमने पूरा 20 ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा इसको जोड़िएगा 20 20 और ये हो जाएगा आपका 6 26 और 1 27, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, 7 एकम 7 सदैव ज्यादा सत्य 21 21 और 6 यहां आएगा 6, अब शेष दिन निकालने के लिए यहां बचा है 5 आया है और यहां से आया है 6, तो फिर से 6 5 11 फिर से छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 7 8 9 10 11 4 बचेगा, तो यहां आ गया 4, और 4 का मतलब होगा गुरुवार, 4 का मतलब है गुरुवार, इसका मतलब यह है कि 20 अप्रैल 1780 को गुरुवार था। आगे दूसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, यह हमें फाइंड आउट करना है, तो 1900 का
पूर्व वर्ष, 1900 का पूर्व वर्ष होगा 1899 के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं शेष दिन, शेष दिन बराबर ध्यान दीजिएगा 1899 जो कि 1600 के सबसे पास है, तो यहां पर लिख दीजिए 1600 प्लस, प्लस आप लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 होगा 1800, तो यहां लिख दीजिए 200 प्लस 99। अब ये 99 को दो वर्ष में डिवाइड, दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक होता है लीप वर्ष और एक होगा आपका सामान्य वर्ष, लीप वर्ष तथा सामान्य वर्ष। ध्यान दीजिएगा 99 में चार से डिवाइड कीजिए, 99 में चार से डिवाइड करेंगे तो ये होगा चार दूनी आठ, बचेगा एक, 19 हो गया, चार चौक 16, चार चौक 16, तो ध्यान दीजिएगा अर्थात यहां पर कुल 24 लीप वर्ष है, 99 से 24 घटाइए, चार दूनी आठ बचेगा एक, चार चौक 16, तो 24 लीप वर्ष है। 99 में से 24 को घटाएंगे तो बाकी बच जाएंगे सामान्य वर्ष, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, अर्थात 75 सामान्य वर्ष है। हम जानते हैं कि लीप वर्ष 2 दिन आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष 1 दिन आगे बढ़ता है। यहां पर 1600 में शेष दिन होगा 0, 200 में शेष दिन होगा, 200 में शेष दिन होता है 3, इनको जोड़िए, देखिए ये आएगा आपका 3, 24 दूनी 48, ये होगा 75 एकम 75, ओके ध्यान दीजिएगा 8 5 13 14 15 16, 16 का 6 हासिल है 1, ये होगा 8, 8 4 12, 126, ये आ गया 12 और 6 126 में आप यहां पर 7 से डिवाइड कीजिए, छोटा करना है, 0 से 6 का रेंज करना है, तो यहां आएगा 7 से डिवाइड करेंगे 126 में, तो 7 एकम 7, यहां पर बचेगा 5, ये 6 आया नीचे, 7 7 पंचे 35, 7 6 42, 37 37 49, 37 80, 37 80 56, यहां गया 0, अर्थात यहां रिमाइंडर आ रहा है पूरा का पूरा 0, अर्थात इसमें एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। अब माह के लिए देखते हैं, माह के लिए, माह के लिए ध्यान देते हैं, माह यहां पर है मार्च, तो जनवरी फरवरी, ध्यान दीजिएगा जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, इसको ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा जनवरी में होता है 31 दिन, यहां पर देख रहे हैं 1900, चेक कीजिए क्या 1900 एक लीप वर्ष है, 1900 क्या एक लीप वर्ष है, यहां पर हम निकालने जा रहे हैं अब 27 मार्च 1900 के लिए, तो चेक कीजिए क्या 1900 लीप वर्ष है, 400 से डिवाइड करके देखिए, 1900 को 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए 2020 नहीं कटेगा, तो 1900 एक लीप वर्ष नहीं है, 1900 लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो यहां पर फरवरी का महीना होगा 28 का, मार्च हमें जाना है कुल 27 मार्च तक, मार्च का महीना होता है 31 का और यहां पर हमें जाना है 27 दिन पूरा ट्रेवल करना है। देखिए 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 28 में 7 का डिवाइड करेंगे 0, यहां पर 27 मार्च तक पूरा जाना है इसलिए 27 पूरा लिखेंगे, 27 और 3 यह हो जाएगा 30, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 बचेगा 2, ओवरऑल शेष दिन, शेष दिन वो 0 है प्लस ये 2 है, ओवरऑल जुड़कर हो जाएगा 2, अगर ये 7 से ज्यादा होता तो फिर से 7 से डिवाइड करते, तो 2 के लिए आंसर आएगा 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, तो ये दिन है हमारा मंगलवार। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर आ रहा है मंगलवार। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है, महात्मा
गांधी का जन्म किस दिन हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसका हमको बताना है कि किस दिन हुआ था, यह हुआ तारीख, हमें दिन बताना है। तो 1869 के एक वर्ष पहले, 1869 के पूर्व वर्ष, 1869 के एक वर्ष पूर्व होगा 1868 के लिए हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, शेष दिन बराबर 1868, ये सबसे पास है 1600 के, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1600 प्लस 200 प्लस 68। अब 68 में से हम निकालेंगे लीप वर्ष तथा सामान्य वर्ष, लीप वर्ष तथा सामान्य वर्ष 68 में 4 से डिवाइड कीजिए। 68 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 सत्ते 28, अर्थात इसमें कुल 17 लीप वर्ष है। 68 में से 17 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 1, 6 में से 1 गया 5, अर्थात 51 सामान्य वर्ष है। तो यहां पर हम कह सकते हैं लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है। अब इसी आधार पर देखते हैं हम, 1600 में शेष दिन होगा 0, 200 में शेष दिन होगा, ध्यान दीजिएगा 200 में शेष दिन होता है 3, तो यहां आ जाएगा 3, इसे जोड़ दीजिए, देखिएगा यह आएगा 3, 17 दूनी 34, यह आएगा 51 एकम 51, यह आएगा 4 और 1 5, 5 3 8, 5 और 3 यह आएगा 8, इसे छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। यहां पर यह आएगा 7 से डिवाइड करेंगे 88 में तो यह आएगा 7 एकम 7 बचेगा 1, 8, 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा यहां पर रिमाइंडर 4, तो ओवरऑल रिमाइंडर आ गया 4, तो शेष दिन आ रहे हैं, शेष दिन आया हमारा 4। अब ध्यान दीजिएगा, माह के लिए ध्यान दीजिए, हमें दिया है 2 अक्टूबर 1869, यहां पर अक्टूबर तक हमें जाना है, अक्टूबर तक जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जनवरी होता है 31 का महीना, फरवरी 1869, चेक कीजिए क्या लीप ईयर है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 6 24 फिर बचेगा 2, डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 का महीना होगा फरवरी, 28 का महीना होगा, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई होगा 31 का, यहां पर अगस्त भी होगा 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का और अक्टूबर 31 का। यहां पर 7 से डिवाइड कीजिए तो यह आएगा 3, यह आएगा 0, 3 2 3 2, यह आएगा 3, यह आएगा 3, यह आएगा 2, लेकिन यहां अक्टूबर, यहां दिया हुआ है 2 अक्टूबर, तो हम यहां पर 2 अक्टूबर वाला लेंगे, ये 2 अक्टूबर का लेंगे, 2 अक्टूबर का ये 2 लेंगे। अब इनको जोड़िए, ये हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 5 15,
पांच दस, पांच पंद्रह और इन दोनों को जोड़ने 20, 20 तीन 23, तो यहां आएगा कुल 23। इसको छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 समय चलो 7 21, बचेगा 2। ओवरऑल शेष दिन बराबर यह है गया 4 और यह हो गया 2, यह आ जाएगा 6। अगर यह 7 से ज्यादा होता तो फिर से 7 से डिवाइड करते, तो 6 का मतलब होगा शनिवार। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जन्म हुआ था शनिवार के दिन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था शनिवार के दिन, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न है भारत स्वतंत्र किस दिन हुआ था। अगला हम सॉल्व करने जा रहे हैं भारत स्वतंत्र किस दिन हुआ था। हम जानते हैं भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो यहां पर 1947 के एक साल पहले, 1947 के पूर्व वर्ष, 1947 के पूर्व वर्ष, 1947 का पूर्व वर्ष होगा 1946 के लिए। हम यहां पर 1946 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं शेष दिन, ध्यान दीजिएगा। 1946, 1905 होता है वही 1600 के, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1600 1900 लाने के लिए, ये हो जाएगा 300, तो 1600 300, ये हो जाएगा 1900 प्लस 46, 46 को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक है आपका लीप वर्ष और एक है आपका सामान्य वर्ष। 46 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4 और ये है 4 एकम 4, तो यहां पर 11 लीप वर्ष है और इसमें 46 में से 11 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35 सामान्य वर्ष होंगे। लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है। यहां देखते हैं 1600 में 0 दिन आगे बढ़ता है, 300 में 1 दिन आगे बढ़ता है, तो यहां 1 ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा 0 और 1 1 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 35 एकम 35 जोड़िए 5 और 2 7 और 1 8, यह है 5 और 2 3 और 2 यह हो जाएगा 5। इसे छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 56, रिमाइंडर बचेगा 2। चलिए अब माह के लिए देखते हैं, माह के लिए माह दिया हुआ है 15 अगस्त 1947, यहां पर अगस्त तक हमें जाना है, अगस्त तक, तो यह होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त तक हम पहुंचेंगे, यह आपका है अगस्त। चलिए अगस्त तक हमें जाना है, देखिएगा यहां पर 1947 चेक कीजिए क्या लीप वर्ष है, 1947 लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी होगा 28 का, तो यहां पर फरवरी हो जाएगा 28 का। चलिए जनवरी होगा 31 का महीना, मार्च होगा 31 का महीना, ये है अपना अप्रैल 30 का महीना, मई होगा 31 का, जून होगा 30 का, जुलाई होगा 31 का, अगस्त होगा 31 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, देखिएगा जनवरी यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3, ये होगा 0, 3 2 7 से डिवाइड करती जाइए 3 2 3, लेकिन अगस्त में दिन दिया हुआ है 15 अगस्त, तो यहां पर 15 का 15 दिन ले लेना है। चलिए जोड़ देते हैं, ये होगा 3 2 5 3 2 5, 15 और ये 10 25, 25 और 6 25 और 3 28 29 30 31, तो ये आ गया पूरा 31। छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 28 बचेगा 3,
तो इस प्रकार से शेष दिन निकालने के लिए तीन और दो को जोड़िए तो यह आ जाएगा पांच। अगर ये सात से ज्यादा आता तो इसे फिर से हम सात से डिवाइड करते, पांच पांच का मतलब होगा शुक्रवार, अर्थात भारत शुक्रवार के दिन स्वतंत्र हुआ था, भारत शुक्रवार के दिन स्वतंत्र हुआ था। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई भी तारीख दी है तो हम उसका दिन ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।